हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे स्टडी विद सरल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वारवी का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया है, तथा मैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि मुझे जो मेरे नंबर हैं वो किस आधार पे मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये न्यूज़ जो है हिंदुस्तान के वेबसाइट पे अपलोड हुई है, और इसकी तारीख जो है जून 3, 2021, और इसका समय भी दिया गया है 6:26 पे ये प्रकाशित हुई है। तो इसका देख लीजिए, ये रे फार्मूले, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट, विद्यार्थियों के कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों और कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। यदि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे तो कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के नंबरों का जोड़ा जाएगा। इसका मेन मतलब ये है कि आपके जो कक्षा 10 में नंबर थे और जो कक्षा 11 के नंबर थे उसको वो ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद उसे 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने के बाद जो आपके नंबर होंगे वही रिजल्ट आपका बना दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात लिखी है, यदि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए पिछली बार कोरोना वायरस चलते हुए कुछ विद्यालयों में कक्षा 11 के परीक्षा नहीं हो पाए, इसीलिए इसमें बताया गया है, साफ साफ लिखा है कि यदि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे तो कक्षा 12 की प्री बोर्ड की परीक्षाओं के नंबर को जोड़ा जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोगों को बता दूं, ये हाई स्कूल का है, परीक्षार्थियों के कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों और उनके कक्षा 10 के प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे।